कुत्ता आप देख के भोगता है, मगर आपने डरा दिया तो कुत्ता मालिक के पास जाके और गोद में बैठ जाता है। आसमान से उतरा है क्या जितेंद्र अवार्ड? हाँ खाली भाई साहब पैसा। 2009 से अगर कोई प्रूफ कर रहे तो कसम खुदा की आपके जन्म से कसम खा के बोलता हूँ नुमरा छोड़ के चले जाऊंगा। नुमरा ये भी जितेंद्र अवार्ड नहीं करवाया तो कौन करवाए? देखिए मोदी साहब कितने अछूत बोलते, नरेंद्र साहब या जितेंद्र साहब कितना झूठ बोलता है इसकी कोई तोल नहीं। मतलब जितेंद्र अवार्ड ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया? आप बताओ, मैं तो मेरे काम बता रहा हूँ ना, आप बताओ ना जितेंद्र अवार्ड के नाम। एमआईएम ने टिकट दिया नहीं दिया वो बात की बात, जब नहीं देगा जब फिर ये सवाल अब मेरे से करना, मैं अभी ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में होगी आज आमने सामने बहस, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की होगी बात, क्योंकि विधानसभा नजदीक है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही टिकट के लिए मांगे तेज हो गई हैं। और आज हमारे साथ आमने सामने में बात करने के लिए नईम खान साहब हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें पूरा मुमरा कौसा जानता है, मेयर भी रह चुके हैं, एमआईएम से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नईम खान साहब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो है दरअसल आप मुमरा को बहुत नजदीक से जानते हैं, आपने मुमरा में काफी अच्छी जो है राजनीति भी की है, काफी अच्छा राजनीतिक रहा है सफर आपका। और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की जो बात है जी, अब इसमें जो है आपने टिकट की मांगे की है जो है, और क्या लगता है आपको, और पिछले कुछ महीनों से आप जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कितना मजबूत कैंडिडेट होंगे आने वाले चुनाव में? ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले दिनों में कि मैं कितना मजबूत कैंडिडेट हूँ। कैसा है कि हम लोग कोई जानता नहीं था पहले, आमदार जो 2009 में आए थे उनको इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों की मेहनत थी, इस गांव की मेहनत थी, इस मुमरा कोसा की मेहनत थी, और उनको क्लिक करके देखो तो जो लाना जानता है वो भेजना भी जानता। आपने ही आमदार को लाया था मुमरा में, लोगों ने भी कहा और आपने किया भी है, आमदार को आपने लाया है, और फिर आज उन्हीं आमदार के सामने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए कहने का मतलब है किसी को शौक नहीं है जबरदस्ती खड़े रहने का, और मेरे को तो इतना नहीं, मगर कहने का मतलब ये है कि उनको लाए थे इस मूल्य में कि वो काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता था, MLC थे, क्योंकि शिक्षण मंडल में उनको मैंने चेयरमैन भी बनवाया, शिक्षण मंडल में मेंबर भी बनाया, तो एक थोड़ा एक नज़दीकी थी। और फिर उन्होंने करके ऊपर शरद पवार को बोल के यहाँ से टिकट ले लिया, हालांकि मेरा हक था ये टिकट के ऊपर कांग्रेस का, लेकिन वो मैनेज करके, क्योंकि विलासराव जिंदा थे, CM थे, तो उन्होंने ये बोला यार शरद पवार ने मैडम से बात करके टिकट लिया, और नहीं भाई अपनी मजबूरी है, थोड़ा आप काम कर लो बाद में अपन देख। शरद पवार मेरे घर पे आए थे, 2 घंटा बैठे रहे उन्होंने ये भी वायदा किया कि नहीं आप जितेंद्र वार्ड को जिता दो, वो सब हवा में चले गए। ये आए मतलब MLC आपको नहीं मिला तो आप इसलिए मैदान में उतरे विधानसभा के चुनाव में? आप नहीं समझे ना, MLC नहीं मिला तो मेरे को 14 में उतर जाना चाहिए था, जब कांग्रेस और NCP अलग जी, जब भी नहीं होते। मगर कहने का मतलब है आज सिचुएशन जो मुमरा की कर दी है, यंग जवान तबका जो है वो ड्रग्स में लग गया है, लड़कियां बिगड़ रही हैं, स्कूलों में कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हुआ है, सारे बस खाली है। देखा आपने तो, आप देखे मुद्दे कितने, उन्होंने ऐसा काम क्या नहीं किया है जिसको देखकर आप मैदान में उतरे हैं? तो उन्होंने क्या काम किया ये तो बता दो, मेरे बहुत सारे काम गिनाते हैं वो तो बहुत सारे काम गिनाते हैं। गिनाना आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप भी इधर ही रहते हो, मैं भी यही रहता हूँ, बना दो स्टेडियम उनका है, बता दो उनका है, वो तो दावे कर रहे हैं कि स्टेडियम हमने बनाया है। देखिए आप बात करें 2007 के अंदर मेरे पास मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, विलासराव देशमुख ने आन के 20,000 आदमी के बीच में 3 चीज दिखलाया गया था, हॉस्पिटल, स्टेडियम और सोल्डर हाउस, तो वो किधर जाएगा? तो मतलब आपका कहना है कि जो उन्होंने जो दावे कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं किया है? सवाल ही नहीं आता है। स्टेडियम अगर देखे उन्होंने दावे, उनके दावे सच्चे रहते, जब स्टेडियम का उद्घाटन होता शरद पवार को उन्होंने बुलाया था, बड़े लीडर थे, उनको स्टेज लगाते, स्टेज लगाने के बाद शरद पवार को बैठाते, हम जैसे को आते बुलाते तो मानो हकीकत मालूम होता ना किसने बनाया, खड़े खड़े उन्होंने उसका उद्घाटन करवा दी। आपने 35 साल कांग्रेस को दिया, काफी अच्छे से आपने समझा कांग्रेस को, और काफी मजे हुए आप जो है कार्यकर्ता रहे हैं उसमें, और फिर आप कांग्रेस को छोड़ दिया। ये कांग्रेस को छोड़ने की एक वजह थी, कुछ लोग मुमरे में आ गए, नए नए लोग आ गए, क्योंकि हर आदमी को लीडर बनने का शौक होता है, लेकिन
अगर गाड़ी सही चलाने वाला नहीं होगा तो कभी लीडर नहीं बन सकता। आ गया और सीधी बुराइयां करने लगे, कुछ करने लगे, लालच हिसाब किताब बहुत है। लेकिन फिर आपने राष्ट्रवादी क्यों ज्वाइन किया? नहीं, राष्ट्रवादी मेरे को पवार साहब ने ये बोला था कि आप एक काम करें, राष्ट्रवादी में आ जाए, ये करें, एक ही है, मेहनत करे, सब कुछ करे। नहीं, ये बात जो हुई थी आपकी जो है, मतलब कि राष्ट्रवादी जब आप आए तो आपको एमएलसी बनाने की बात 2009 की बात है। हाँ, एमएलसी नहीं मिला आपको जो है तो 14 में आए ना, 14 में आए, 14 में कोई एमएलसी के जिक्र ही नहीं था, कोई बात ही नहीं था, वो तो ये था कि आप आ जाओ। और उस टाइम कांग्रेस के अंदर इसकी नाराजगी थी कि उन्होंने मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया था। आप बोल रहे हैं ना 30 साल काम किया, लेकिन खान साहब सुनिए एक मिनट, आप बोल रहे हैं 30 साल आप किसी किस जगह मेहनत कर रहे हो, अगर उसका सिला नहीं मिलेगा तो हम लोग भी छोड़ोगे। लेकिन खान साहब एनसीपी से ही आपके बेटे जो नगर सेवक है। नहीं, पहले आप फिर मिस्टेक करो, वो नगर सेवक पहले इंडिपेंडेंट आते आजाद उम्मीदवार चुन के आए थे 2012 के अंदर। अरे समझ लीजिए, उन्होंने आजाद, ये नहीं है कि हम किसी के बलबूते पे आए, जब आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने क्यों दामन थामा? उन्होंने इसके लिए दामन थामा क्या, इन्होंने सब दामन थामे। हमारे बेटे को 1 रुपया हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग पैसे लेने वाले में ऐसे लोग नहीं है। लोग कुछ भी कहें, खानदानी लोग है, नवाबी लोग है और इज्जतदार लोग है, पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। खान साहब आप एनसीपी का भी विरोध करते हैं जो है, मतलब उसको आपने छोड़ दिया है, तो नगर सेवक जो आपके बेटे उनको जो है आपने उसमें जाने ही नहीं देना चाहिए था, झगड़े। हाँ, उस टाइम झगड़े, आप मेरी बात करो ना, उस टाइम झगड़े थोड़े ही नहीं थे। उस टाइम जो मेरा बेटा 17 में तो 7वें थे ना, ये तो बताओ। यहाँ तो बात हो रही ड्रग्स की, यहाँ तो बात हो रही कब्रिस्तान की, यहाँ तो बात हो रही लड़कियों को बिगड़ने की, यहाँ तो बात हो रही। आपका कहना है जब से विधायक जितेंद्र रावत आए हैं तब से ये सब ड्रग्स का तो ये सारे मामले आ रहे हैं। 2009 से अगर कोई प्रूफ कर दे तो कसम खुदा की आपके चैनल से कसम खा के बोलता हूँ, उम्र छोड़ के चले जाऊंगा। अगर इससे पहले ये सब चीजें थी तो हम लोगों का राज था उस टाइम बता दो ना खुल के। नंबर 1, नंबर 2 कितने केसेस हो गए लोगों के ऊपर, अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर केस हो, जैसे राजू अंसारी पे स्ट्रोक सिटी हुआ, शमीम खान पे हुआ जब ये समाजवादी में थे, उसके बाद फिर आपका सैफ पठान के ऊपर हुआ, और कितनों का हुआ, कितने केसेस हो गए। ये भी जितेंद्र रावत ने करवाया तो कौन करवाया, मेरा घर कौन गिरवाया? अच्छा, मेरा घर आपका घर गिरा नहीं ना अभी फिलहाल। अरे तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब, कोई ऐसा वैसा लंजू पंजू के किसी हाथ पैर जोड़ के नहीं रुकवाया या किसी की गोद में जाके बैठ के नहीं गिरवाया, जैसे बहुत से लोग हाईकोर्ट में केस फाइल किया था, हाईकोर्ट के अंदर उसको बाकायदा जो नोटिस इन्होंने दिया था वो इलीगल, हाईकोर्ट ने, आप लोग आए नहीं थे, आप लोगों को बुलाया था। खान साहब एक बात ये भी सामने आई कि आप उस घर के चक्कर में जो है अंदरूनी जो है आवाज साहब से मीटिंग कर ली और आपका घर बच गया। देखिए मोदी साहब कितना झूठ बोलते, नरेंद्र साहब या जितेंद्र साहब कितना झूठ बोलता है इसकी कोई तोल नहीं है। मेरे साथ मीटिंग होती, मैं पठान आदमी और ओरिजिनल खानदानी हूं, मैं मीटिंग करूंगा तो मेन रोड पे करूंगा, मैं घर में छुप के नहीं करूंगा, समझे ना, घरों में छुप के नहीं करने वाला। मेरे पास वीडियो, आपके घर खुद से बचाए हैं, खुद से बचाए, हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब। आमदार बोलता है, अगर आपको याद होगा आपके चैनल से या किसके चैनल से है, कुत्ते भोंकते हैं, मैं हर कुत्ते भोंकने का जवाब दे देता हूं, प्रहार में आया था पर आपके ही चैनल से आया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, कुत्ता उनकी गोद में था, वो कहता है कुत्ता भोंकता है, मेरे को हर कुत्ते के जवाब देने नहीं, मगर कुछ कुत्तों को आपने गोद में भी बिठा लिया, सुनते रहे। उसके बाद थाने से जब कुछ ऑफिसर आए, मैं बोला भाई साहब यार तुम ये थाना से कुत्ते लाके छोड़ दे तो उमरा के अंदर, ये कौन सी बात है भाई, कुत्ते मत छोड़ा करो ना। बोले साहब ऐसा है कि वहां भाजी तरकारी मिलता है, मुंबई में खाली गोश्त मिलता है, इसके लिए कुत्ते यहाँ लाके छोड़ने पड़ते हैं। खान साहब आप एमआईएम से टिकट मांग रहे हैं जो है, अब मुंबई की जनता आप पर भरोसा कैसे करे? नहीं देखिए एक बात बता दूं, मुंबई की जनता भरोसा कैसे करे, आपको कितने दिन हुए आए हुए, अभी आप कह रहे थे मेरे को 30 साल हो गए मुंबई में, 30 साल मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मैंने मुंबई की जनता को ठेस पहुंचाया? मैंने मुंबई के लिए काम किया, फायर ब्रिगेड मेल आया, पानी की लाइन मेल आया, टेलीफोन एक्सचेंज मेल आया, पुलिस चौकी हम लोगों ने बनाया, प्राइवेट ने, ये हम लोगों ने काम किया, गिनवा सकते। खान साहब जब आप मेयर थे तो उस टाइम में आपने मुंबई के लिए क्या किया था? मुंबई के लिए पानी की लाइन लेकर आए 27 इंची की, जो सबसे बड़ा काम था। आज ये तो 10 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने पानी की लाइन नहीं दी, जब इन्होंने वायदा किया था कि मैं इनका मैनिफेस्टो है, इनका मैनिफेस्टो है 2014 का,
कि मैं ऊपर से पानी की लाइन लाऊंगा 200-250 करोड़ खर्चा करके। यहाँ तो इन्होंने वायदा किया, आज तक तो पूरा नहीं किया। नईम खान ने तो वायदा पूरा किया। जिस टाइम मैं उप महापौर था, उप महापौर में प्रपोजल बनाया और महापौर के अंदर एक पाइपलाइन आई। तो मतलब जब आप महापौर थे, जब आप बोलते अच्छा जब आप मेयर थे, तब आपने ये सारे काम किए थे। बिल्कुल, शिवाजी हॉस्पिटल हो गया, जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू हो गया, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज जो आज महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट कॉलेज है जो मेरिट्स के ऊपर एडमिशन। मतलब जितेंद्र रावत ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। आप बताओ, मैं तो मेरे काम बता रहा हूँ ना, आप बताओ मैं जितेंद्र रावत के काम आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज कलवा के अंदर आज भी ऊपर चले जाऊ आपको दिखेगा। सीएम और गुलाम नबी आजाद आए थे उसके उद्घाटन में, शिवाजी हॉस्पिटल का उद्घाटन, पानी की लाइन का उद्घाटन, आपका स्टैचूज का उद्घाटन, हमने तो बताया ना ये उद्घाटन जो किए ये बताया, और हमारे टेन्योर में बना के हमने उद्घाटन किए। हमने ये नहीं किया कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। विधानसभा में आप चुनाव की टिकट मांग रहे हैं जो है, और मान लीजिए आप जो है विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस टाइम में जीत जाऊंगा, मैं काम करने वालों में से हूँ, जिस टाइम में जीत जाऊंगा उस टाइम मुद्दे तो इस वक्त इतने हैं कि आप बोल रहे हैं ना जितेंद्र रावत ने बहुत काम किया। गांधी से प्यार है भाईजान, वो बोलेगा ये समझ लो, और इनके एनसीपी के लोग बोलेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज रमजान में आप भी मुमरा में थे, मैं भी रमजान में लाइट कितनी गई है, ईद में लाइट कितनी गई और कितनी लाइट गई, और सुन लो वो आवाज सबने ही मतलब लाइट हटा दी, हम लोगों ने हटाया। ट्रांटो हम ही लेकर आने वाले हैं, आप तो ये बोल रहे हो, ट्रांटो के ऊपर साइन किया है इन्होंने, रोक दिया गया है कि भाई नवंबर तक रोक दो, और दिसंबर में ट्रांटो नहीं आया तो मेरे से बंगला मेरा लेके चले जाएगा। चुनाव के बाद आने वाला है 101% भाईजान, बेवकूफ नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे भी सरकार में कुछ लोग हैं, हमारे भी दोस्त लोग हैं, आईएएस आईपीएस दोस्त लोग हैं, हमने छक मारी नहीं है कि 30 साल से ट्रांटो नहीं आया तो बंगला दे के जाऊंगा आपको, ये लिख लेना तुम, ट्रांटो फाइनल हो चुका है। गुमराह कर रहे हैं आवाज साहब जो है कि ट्रांटो नहीं आएगी, वो जो है अब आने वाली है चुनाव के बाद। चुनाव के बाद 101% वो तो अभी आने वाली थी, उनका एक कैसेट है मेरे पास, उनका कैसेट है जो होंडीकर को चिल्ला रहे या तू नवंबर तक तू रुक नहीं सकता। जिस तरह से आपको देखा गया कि 35 साल आप कांग्रेस में रहे और उसके बाद जो है राष्ट्रवादी में चले गए, राष्ट्रवादी के बाद जो है अब आप एमआईएम से टिकट मांग रहे, अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया आपको तो आप कहां जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे? देखिए एमआईएम ने टिकट दिया नहीं दिया वो बात की बात, जब नहीं देगा जब फिर ये सवाल अब मेरे से करना, मैं अभी ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा। विधानसभा में तो आप समझिए उतर रहे हैं जो है, टिकट के लिए मांग किया है, लेकिन इसके पहले आपने जो है एमआईएम के जो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं उनको कॉन्फिडेंस में दिया है क्या? मैं कह के लूं उनको कॉन्फिडेंस, पार्टी लेगी। आप मैं 11 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं महाराष्ट्र का, तो पहले आप समझ लीजिए जी, मैंने पार्टी से टिकट मांगा है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, एमआईएम का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके प्रेसिडेंट लोग हैं, आप समझिए मेरे वो कार्यकर्ता, ये तो कार्यकर्ता जितने सब मेरे भाई बहन हैं, उनको कॉन्फिडेंस में क्या है, मैं उनसे पूछूं कि मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं? मुमरा में जो है आप किस तरह से टक्कर देंगे, क्योंकि देखिए एक 10 सालों से आमदार रहे जो है और उनके सामने आपको जो है चुनाव लड़ना बोले तो कितना मतलब मुश्किल है। बात है भाई साहब, आसमान से उतरा है क्या जितेंद्र अवार्ड? हाँ खाली भाई साहब पैसा बोलते फिर 20 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ 20 करोड़ 25 करोड़, मैं तो कभी नहीं बोलता मैं पैसा खर्च, मैं मेरे दम पे लड़ूंगा और मुझे इस जनता पे भरोसा है। मुद्दा आप क्या लेकर चल रहे हैं जो है, आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा इस पूरे चुनाव को लेकर? भाई अहम मुद्दा ये रहेगा कि जो तकलीफ परेशानी, मैं भी मुमरा में रहता हूँ, मैं थाने में नहीं रहता हूँ, बात समझ लो आपको मैं मुद्दा बताता हूँ कि आप मुमरा और कलवा में जाके देख लो ना, कलवा क्या और मुमरा क्या, डेवलपमेंट क्या होता है वो मेरे को मालूम है। महानगर पालिका के अंदर टॉप कुर्सी करके गया हूं, क्या राजनीति है क्या वो मेरे को मालूम है। आज मैं बोलता हूं कि कब्रिस्तान बदलने की क्या जरूरत थी, क्यों बदला इन्होंने? आप गांव का भला कर रहे हो, आप शहर का भला कर रहे हो, तो एक जगह जहां पानी भर रहा है वहां दे रहे हो, जहां पानी नहीं भर रहा वहां नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहां आपको आगे चल के बिल्डिंग बनाना है। आप जो है जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो शिवसेना बीजेपी को श्रेय देने के लिए खड़े हो रहे हैं? अरे यार ये बहुत पुरानी बात है,
बहुत पुरानी बात। वो आप खड़े होंगे यहाँ से वोट काटेंगे और अच्छा, जीत जाएंगे। तो गणेश नाइक क्यों आ रहे हैं बीजेपी से, क्यों आ रहे हैं? वो उनके लाड़े के लड्डू है। अच्छा हा? वो खाली मुसलमान खड़ा हुआ तो वोट काट रहे। यहाँ पर तो यही बात है कि मैं क्या बताऊँ, आप जो यहाँ इस बार आप गिराना चाहते हो। अच्छा, आप वोट काटना चाहते हो, इसलिए खड़े हो रहे हो। वोट गिराना काटना चाहते हैं हम लोग, हमारे को जीतने की तमन्ना नहीं है, हम लोगों को हमारे लोगों पे भरोसा नहीं, खाली वोट काट देंगे। आप एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जितेंद्र रावत कौन है? नईम खान कौन है? कोई आसमान से टपका हुआ आदमी नहीं, यही बंदा। ये तो सभी जानते हैं, नईम खान साहब मुमरा के रहवासी हैं और सब है, तो व्यवहार रखो ना। आज आप आपका अच्छा व्यवहार रख के आपके आपके पांच लोग चला रहे हैं आपको, मुमरा में सिर्फ पांच लोग आपको चला रहे, बाकी कोई बता दो कौन चला रहे? शमीम खान। आप ये बताओ, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यूपी के मॉबलिंग चीफ कितनी हुई है यूपी के अंदर? कभी उन्होंने एडिटेशन निकाला यूपी के अंदर? आप तो माहिर फन है, आप तो मोर्चे निकालने में उस्ताद है, क्यों नहीं यूपी में जाके योगी के खिलाफ निकाला? क्यों आपके भाई लोग नहीं थे? आवाज साहब को मतलब पांच लोग चला रहे, पांच लोग चला रहे, मेरे तो खुला आरोप है। शाहरुख पठान चला रहे, वो चला रहे, शाहरुख चला रहे, आपका शमीम खान चला रहे, मुन्ना साहिद ये लोग चला रहे। आप MIM से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, कितना उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए आपके लाइन में और भी लोग लगे हुए हैं, 50 आदमी लगे रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। हर आदमी का हक है टिकट मांगना, कोई कुछ नहीं है, और वो आदमी सक्सेस होगा जो बराबर उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं ये आदमी सही है, उसको टिकट देंगे। बंद करो केस जलाओ और हरियाणा परेशानी करो, फिर इनको अपने गोद में बैठाओ, जैसे वो कुत्ते को लेके बैठे थे ना। हाँ। जो डर जाता है ना। हाँ। वो कुत्ता आप देख के भोगता है, मगर आपने डरा दिया तो कुत्ता मालिक के पास जाके और गोद में बैठ जाता है। इनके कौन कार्यकर्ता है जो दरख्त बेच रहे हैं? अरे यार ये खुले मुमरे को मालूम है, मेरे मुंह से क्यों कहवा रहे हो मुमरे को? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुन्ना छोकरे राइट हैंड जितेंद्र अवार्ड का, उसका कोर्ट के अंदर खड़े के 164 के अंदर ब्याह में, क्या मैं ड्रग्स लेता हूँ? क्योंकि मेरे को ब्रेन है, मेरे जो के ब्रेन ब्रेन के गेरियन होगा उसके लिए ड्रग्स लेता है। अच्छा, उसके लिए ड्रग्स नहीं था? अरे तो यार जब एक आदमी का मैं आपको अनुभव दे रहा हूँ तो फिर आप बोलो ड्रग्स नहीं था? नहीं नहीं था, सिर्फ चरस गांजा था, वो भी दरगाह पे था। अच्छा, और वो भी दरगाह पे आज ज्यादा बढ़ गया। तो खान साहब आप जो है अभी फिलहाल आपकी तैयारी किस तरह से है चुनाव को लेकर? मेरी तैयारी ऐसा है, देखिए जनता मेरी, लोग मेरे, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं उन पे जान छिड़कने वाला लोग हूँ। मेरे को अल्लाह ताला ने अगर इस काबिल समझा और मुझको नवाजा तो आप खुद जलवा देख लेंगे क्या हो। आपके सारे सवाल जवाब स्टेज के ऊपर दूर है, मैंने ऑफिस ना भाड़े में, ऑफिस तो आप ही ने दिया था, मैंने दिया था, मुझसे मांगा था 2009 में। हाँ। कि भैया मैं नया नया हूँ, मेरा तो आप ही ने बढ़ावा दिया भाई साहब, मेरे आप दोस्त है, अभी आप मेरे को चाय भी पिलाओगे, अभी आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाओगे, बिस्किट भी खिलाओगे, दुश्मन हो जाओगे तो क्या करोगे? बराबर है, लेकिन आपका नहीं जमा तो आप जो है तो ऑफिस दे दो ना, हराम का क्यों रखे हो? क्योंकि हमें हराम हलाल मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है? तो जैसा आपने दिया था वैसा ऑफिस ले भी सकती हो? ले सकता, वो उन्हें देना चाहिए, तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया, थोड़ा थोड़ा डब्बा रखा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, आपने रखा कोई बात है, हमने आपको दिया, अभी आपने गाड़ी का धंधा खोला उस। अच्छा आप देखो बोल लगा गाड़ी का धंधा खोला, आपको शराफत से दे देना चाहिए। नहीं भाई आपका ऑफिस शराबत होना चाहिए दुनिया में, जब नईम खान के साथ 22 साल का दोस्त के साथ तुम धोखेबाजी कर सकते हो तो मुमरा के साथ तुम किसी के साथ वफादारी नहीं। जब उनके अंदर शराफत नहीं है तो आप फिर अपना ले लेना चाहिए, छीन के ले लेना चाहिए। यार वही तो बात है ना, वही तो बात, छीन के तो ले तो फिर खड़े काहे के लिए, छीन के लेंगे सब। अच्छा हाँ छीन के लेंगे। खान साहब एक बात और समझ में नहीं आ रही है, मतलब जो आवाज साहब के जो आप खिलाफ खड़े हो रहे उनके सामने, तो मतलब ऐसी क्या बात आपकी अंदरूनी जो बिगड़ी जो आप जो है उनके मुखातिब हो रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? अल्लाह को मैं गवाह करके कहता हूँ, इससे बढ़ के लिए मेरी कोई बात नहीं। मेरे रब को मैं गवाह करके कहता हूँ, मुमरा बिगड़ रहा है, मेरी जाति कोई दुश्मनी नहीं मेरे साथ, उन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने अगर ये सबको साथ लेके चलते, इनको मालूम पड़ता कि मुमरा में क्या गलत हो रहा है क्या सही होता है, तो ये बराबर चलते। लेकिन वो पांच जो है, पांच कार्यकर्ता, पांच, हाँ पांडू भी बोलू, कार्यकर्ता भी बोलू, वो नाम दे चुका है शमीम खान, शानू पठानिया, ये समझते हम मुमरा के बादशाह। अच्छा। हम मुमरा के किंग, और इन्होंने अवार्ड साहब को बिगाड़ा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन्होंने रोड वर्निंग की, इन्होंने सब उखाड़ दिया, सब कुछ किया, वहां सैयद भाई ये बोलते कि आओ मेरे पास आ जाओ मैं तुमको वापिस जगह दे जाऊंगा,
आप कमिश्नर से ये बात कर सकते हैं, आमदार बात कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं कर सकता। आप बैठो, गरीबों का ध्यान करो, गरीबों की तरफ देखो, आज गरीबों का क्या हिसाब हो गया। रमजान में इन्होंने दुकानें नहीं लगाने दी, बकरे में इन्होंने दुकानें नहीं लगाने दी, ठीक है ना। लेकिन खान साहब उसके लिए तो आप भी खिलाफ थे कि आपके बंगले के सामने लगाया जाए। हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन उसका उपाय है। आप मार्केट बनाते ना, आप खबर, आपने काम बोलते ना विकास, आप मार्केट बनाते, कब्रस्तान देते अच्छी तरह देते, आप गर्ल्स हॉस्टल बनाते, आप हज हाउस आप लाए, आप नहीं लाए, हज हाउस बीजेपी का है, क्योंकि मुंबई से हज हाउस हटाना, यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है कलमबोली के अंदर, ये कलमबोली के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, तो इसके लिए हज हाउस आ रहा है, जो गवर्नमेंट का नियम है ये खाली। अब वहां से जो चीज आती है, अब ठीक है, अब आप हो तो है सवाल, मतलब 10 सालों में आवाज सामने कुछ भी नहीं किया है, टैंक लाए और टैंक हटाया। ये थे नईम खान, आमने सामने हमारे साथ बात कर रहे थे मुमरा की विकास के मुद्दों पर, कहा सब हमने किया है, जितेंद्र अवार्ड ने कुछ नहीं किया है। उनके आने के बाद ड्रग का मामला और बढ़ गया, बहुत सारी आरोप लगाए हैं उन्होंने। ये भी कहा जितेंद्र अवार्ड को 5 पांडव यानी 5 लोग चलाते हैं और जितेंद्र अवार्ड चलते हैं। फिलहाल नईम खान विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम।